हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपका आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, जी हाँ, बहुत ही डिलीशियस है, मुझे पता है डिलीशियस लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कैसे बना है आप ये सोच रहे होंगे, तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कैसे बना है ये। आपके घर में अगर चावल बच जाते हैं तो ये उससे आप बहुत आसानी से इतना डिलीशियस ब्रेकफास्ट अपने घर में बना सकते हैं और इसमें कोई भी लागत नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा आपके घर में रखे हुए सामान के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पता चले कि आप बचे हुए चावल से कितनी डिलीशियस रेसिपी बना सकते हैं और ये झटपट से बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी। एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको रेसिपी कैसे लगी। तो देर न करके शुरू कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इतना डिलीशियस से नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कप या एक कटोरा, आप जो भी लगा लो, बचे हुए चावल ले लिए। अब हम उसको मिक्सी की जार में अच्छे से पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी जरूर डाल देना ताकि वो अच्छे से पीस जाए। तो फ्रेंड्स, ये चावल को मैंने अच्छे से पीस लिया है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक डालना है। थोड़ा हम इसमें जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा ही डालना, ज़्यादा मत डालना मेरी तरह, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आटा डाल देंगे, मतलब ये लगा लो कि आप आधा कप के बराबर आपने आटा डाल लेना है। तो ठीक है, जितना आपने चावल लिया है उससे आधा भी आटा डाल लीजिए। फ्रेंड्स, को अच्छे से गूंद के 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसी तरीके से इसको गोल गोल ऐसे लंबे लंबे से बनाते हैं ना, वैसे बना लेंगे जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और रैंडमली इसको साइज इस तरीके से दे देंगे। आपने बस थोड़ा सा इस तरीके से करना है। अगर आप ऐसा नहीं है तो नॉर्मल गोल करके इसको अच्छे से चाकू से कट कर सकते हो, बट ये बहुत अच्छा लगता है, कुरकुरे स्टाइल, और बहुत डिलीशियस भी लगता है। तो इस तरीके से हम सारे के सारे आटे से इस तरीके से मैंने बना लिए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक हमने ऐसी छालनी सी लेनी है, अगर आपके पास कोई भी प्लेट हो, अगर स्टीमर है तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने यही ले लिया है, मेरे पास ये रखा हुआ था, तो मैंने उस पर अच्छे से ग्रीसिंग कर ली ऑयल की और ऊपर से मैंने इसमें सारे के सारे फरे, जो फरे ही बोलते हैं एक तरह से, इनको फरा टाइप ही बनता है ये, तो ये लगा दिए। ऊपर से हम इसको बॉईल होने के लिए ढक देंगे। तो इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट ज़्यादा हो गया था, मतलब 10 मिनट तो कम से कम आपके, मतलब गैस के हिसाब से, आपके मतलब कुकिंग के हिसाब से इनको टाइम देना है, तो मैंने 10 मिनट रखा था। अब एक पैन ले लेंगे, पैन में मैंने देसी घी लिया है, उसमें थोड़ा सा हम जीरा डाल देंगे टेस्ट के लिए, बहुत अच्छा लगता है जीरा डाल के। और थोड़ा सा हम तिल डाल देंगे, सफ़ेद वाले जो होते हैं ना वो वाला। इनको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, ऐसा मिक्स कर लीजिए ताकि थोड़ा सा कलर इसका ना ब्राउनिश हो जाएगा। तो और इसमें हम इसमें डालेंगे लहसुन एक टेस्ट के लिए, बहुत डिलीशियस लगेगा, इसी तरीके से बना के देखना। तो आप फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा लहसुन डालो, लहसुन का थोड़ा कलर चेंज है। तो प्याज को बहुत फाइनली चॉप करके मैंने इसमें डाला है, आप रैंडम कट करके भी डाल सकते हो, सच्ची में बहुत अच्छा लगता है, बना के ज़रूर देखना। फाइनली इसको चॉप करके मैंने प्याज डाल के अच्छे से इसको, जब तक लाइट ब्राउन कलर नहीं आता तब तक इसको ऐसे मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, नमक हमने पहले भी डाला था तो उसके हिसाब से आप नमक चेक करके डाल लेना कि कैसा कम या ज़्यादा। तो थोड़ा सा मैंने इसमें कड़ी पत्ता भी डाल दिया है और ये डाला है इसमें हमने मैगी मसाला। जी फ्रेंड्स, मैगी मसाला डाल दो और बहुत लाजवाब टेस्ट आ जाएगा, आप एक बार खाओगे बार बार खाओगे। मिर्च मैंने डाल दी है, ये अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने डाला मिर्च, आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। और जो हमने बचे हुए चावल से रेसिपी बनाई थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ये ना थोड़ा मिक्स करोगे ना थोड़ी देर के बाद अच्छा सा कुरकुरा सा टेस्ट आ जाएगा। इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, मतलब कुरकुरापन देने के लिए 3 से 4 मिनट, नहीं तो आप 1 से 2 मिनट में भी इसको हटा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बनके रेडी हो चुका है। ऐसे मसाला वगैरह डाल के इसको फोक से खाना स्टार्ट करो आप, लिटरली आप एक जना इतना सारा खा जाएगा, मैं सच बता रही हूँ। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, मुझे ज़रूर बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस है। और फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए रेसिपी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रेसिपी में कोई डिलीशियस खाने के साथ। बाय बाय।